दोस्तों चलो देखते हैं एक और वीडियो जिसमें पाकिस्तान बोलता है कि चलो हम लोग भी टेस्ला कार बनवा लें। ख्वाहिशात, खदशात, इख्तलाफात का बाजार गर्म है, मगर हाल ये है कि आटे चीनी की कितारों में लगे आवाम की जो हैसियत है वो तमाशाई से ज्यादा नहीं रही। ये बिक गई है गवर्नमेंट। टेस्ला आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गया गाइस इंडिया के आगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बस कुछ टाइम पहले की बात है, एलोन मस्क इस बात पर एग्री नहीं था कि मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा इंडिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की हमें कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिलती। आगे स्वाद यही नहीं, अभी और सुनिए। हम मांगों पर इधर मजबूर हैं। चक्की आटा से 170 से 170 तक पहुंच गया। ये चंद्रयान पे चला। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि फिजा खान जो बोल रही है, आटा 170 से 170 पहुंच गया, क्या इंटेलिजेंस ही है। क्यों नहीं डेवलपमेंट की तरफ जा पा रहे? क्योंकि मैं चूतिया हूं। हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? मेरा दिमाग चूतिया है। भारत में लॉन्च होने जा रही है टेस्ला कार जिसकी वैल्यू होगी 24 लाख। यानी जो कार 70 लाख के ऊपर आती थी, मतलब लग्जरी कार होती थी, उसको अब मेरे जैसा इंसान भी खरीद पाएगा। वही बात करें जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की, तो वहाँ मेहरान भी 13 लाख के समथिंग आती है, यहाँ की 800 मारुति कार। इसीलिए पाकिस्तानी जलते हैं हमसे साले। इसी बात पर पाकिस्तान के एक रिपोर्टर हैं, वो गए हैं पब्लिक के बीच कि इंडिया तो चांद पर जा पहुँचा है लेकिन पाकिस्तान आटे के लिए बुलबुला रहा है, ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं, आनंद आएगा। टेस्ला का जाने से इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा? और आज इंडिया के फॉरेन रिजर्व भी 600 बिलियन डॉलर्स हो गए। क्या कहना चाहेंगे कि हर रोज हम कोई नई खबर सुनते हैं, अमेज़न अपना जो उनका जो स्टाफ है जो अपनी फैक्ट्रीज वो एक्सपेंड करेगा, उसके बाद गूगल भी आ रहा है और गूगल की बड़ी बड़ी शाखें, और एप्पल भी जा रहा है, एप्पल भी अपने शाखों को एक्सपेंड कर रहा है। सर ये सारी चीज़ें हमें इंडिया से नई नई हर रोज़ कोई नई बात सुनने को मिल जाती है, और हमारे पास जो खबरें आती हैं, आज कर्जा हमने उधर से ले लिया, आज कर्जा हमें दुबई ने दे दिया, सऊदी अरेबिया ने दे दिया, चाइना ने दे दिया, अमेरिका से ले लिया, IMF से ले लिया, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह की बुरी खबरें और उधर तरक्की पर तरक्की, तरक्की पर तरक्की, क्या डिफरेंस है दोनों? ये इनकी अचीवमेंट है, फिजा खान बोली इसकी अचीवमेंट है। हमारी गवर्नमेंट, लोग कहते हैं गवर्नमेंट नहीं ठीक, लेकिन हम खुद भी नहीं ठीक। इशू ये है, अब ये जो लास्ट इन्होंने एप्पल स्टोर इंडिया में ओपन किया है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा और एवरी थिंग अवेलेबल, मतलब यहाँ पे आप पूछ लें किसी से, एक शॉप नहीं खुलती किसी से, लोग यहाँ से बल्कि हट रहे हैं। कितने लोग यहाँ से मेहरान गाड़ी वाले, उसके बाद सुजुकी, ये लोग छोड़े हैं, असम्बलिंग छोड़े हैं यहाँ पे। जब तक ये अफसर्स की मरात ख़त्म नहीं होती हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आज हम जब देख रहे हैं इंडिया को और बांग्लादेश को, वो बांग्लादेश जो 71 में हमसे आज़ाद होकर लहदा मुल्क बना है, वो हमसे कई गुना आगे चला गया है। इंडिया जो है वो भी हमसे कई गुना आगे चला गया है। आज इंडिया का और बांग्लादेश का एक मुकाम है दुनिया में, हमारा क्यों नहीं है? हमारा सबसे बड़ी जो मेन वजह है इसमें जो है कि जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है ना, वो हमारे मुल्क में उसकी वजह से ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा हमारा नाकाम हो रहा है। हमें इसमें कोई बंदा पास इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, इसमें कोई बंदा पास से आने के लिए तैयार नहीं है, कोई चीज़ वहाँ पर हमारे मुल्क में कोई बंदा इसको, हमारा इतना, हमारा जो दुनिया में हम इतने पीछे रह गए हैं, कोई बंदा हमसे चलू। पाकिस्तान आपने बात की गवर्नमेंट, पहले जैसे मैंने बताया आपको कि आपने कहा कि एप्पल पाकिस्तान में अच्छे भाई, कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर वो बताने के लिए भाई डेवलपमेंट ऐसे होती है, आप पाकिस्तान को नहीं कर पा रहे, हम कश्मीर में करके दिखा रहे हैं आपको। दूसरी बात सर, जो टेस्ला कंपनी है वर्ल्ड वाइड की बड़ी कंपनी है, टेस्ला कंपनी के इंडिया से, इंडिया पे आने से इंडिया का क्या बेनिफिट हो सकते हैं? क्या उनके फॉरेन रिजर्व मजीद बढ़ेंगे? पिछले एक हफ्ते के अंदर मैं बताता चलूँ, $12.5 बिलियन सर, $12.5 बिलियन एक हफ्ते की मार है उनकी। आप बताएं हम उनका मुकाबला करने पे तुले कर सकते हैं? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम उनका मुकाबला एक जगह कर सकते हैं बस। कहाँ पे? ये वो बॉर्डर पे नहीं कहते, हमारे फौजी की डांग ज़्यादा ऊपर जाती है। सिर्फ वहाँ उस हद तक हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी जो सबसे टाटा नैनो जो छोटी गाड़ी बनाई है ना उन्होंने, उनका पाकिस्तान सोच नहीं सकता, पाकिस्तान के लोग कि एक हफ्ते के अंदर इंडिया की जो रिजर्व बढ़ी है 600 बिलियन क्रॉस कर गई, मतलब 12.5 बिलियन एक वीक में इंडिया की रिजर्व बढ़ गई है, तो वो लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके बाद उधारी लेने के लिए 5-7-8 बिलियन डॉलर आए, चाइना से उधारी ली है, यही से उधारी ली है, सऊदी अरब से उधारी है, IMF से उधारी। 40 साल आ गए, हमारे 40 साल तक जाते जाते वो कहाँ चला जाए?
वो 100 साल आगे होगा। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। बहुत बुरी सूरत है यार, दुख होता है, बहुत दुख होता है लोगों को देखते हैं कि क्या अब एक छोटी। दोस्तों बॉर्डर की बात कर रहे हैं, बॉर्डर की कहां से बात करेंगे, बॉर्डर में भी इंडिया की चार जंग हुई, चारों जंग इंडिया ने जीता, 1965, 1947, 1971 और 99 कारगिल हुआ। उनको तो 99 कारगिल पूरा ले लेते हैं, लेकिन वो लोग अमेरिकन गवर्नमेंट के पास चले गए और रिक्वेस्ट किए कि इस जंग को रोका जाए, नहीं तो पीओके वगैरह सब पहले 99 में इंडिया का पार्ट होता। आगे भी परेशानी है, पीछे भी परेशानी है, परेशानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, काम है नहीं, मेरी बात सुने, परेशानी से आदमी घर में बैठे हुए हैं, रेंट खानों के देखने आगे आगे आजम मार्केट से लोग दे रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रेंट से नहीं जान छोड़ी तो बिल आ जाता, मेरी बात सुन लेकिन टैक्स आ जाता है, क्या करे आदमी, मेरी बात सुन, बहुत मुश्किल है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है, जो यहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्या चीज़ें हैं जैसी हैं जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है, हर चीज़ वहाँ पर जा रही है? इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है वहाँ की पॉपुलेशन और इनकम फीडबैक। अब आप कहीं पे बिजनेस करेंगे ना तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यार यहाँ मैं सिक्योर हूँ, कहीं भी बिजनेस करेंगे तो वो देखते हैं कि यहाँ हम सिक्योर हैं, वो यहाँ सिक्योर ही नहीं है, उनको पता है कि हम पे बिला वजह के टैक्सेस लगाए जाएंगे, हम एक चीज़ पिए खाएंगे उस पर भी टैक्स देंगे, ठीक है, और जिसने वो परचेज की है वो ऑलरेडी उस पर टैक्स दे रहा है, एक चीज़ पे दो दो तीन तीन दफा टैक्स तो लगेगा, तो फिर यहाँ पे कैसे सिक्योर होंगे वो लोग? मुल्क का जवान छोड़ के क्यों जा रहा है पाकिस्तान? आपकी इतला के लिए अर्ज करता जाऊँ कि 2019 के बाद ना यूरोप में जाने वाले 2023 में जो स्टूडेंट्स हैं ना 2019 स्टूडेंट गया। तो दोस्तों फाइनली ये बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान को एजुकेशन सही से नहीं मिला, अगर एजुकेशन सही से मिला होता तो पाकिस्तान जो है अभी तक बहुत तरक्की कर लेता। मुल्क छोटा था, 25 करोड़ की आबादी है टोटल, हमारे इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है, तो बहुत डिफरेंसेस था। पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स में भी आगे है, उनकी ज्योग्राफिकल पोजीशन बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या बताएं, जहालत जिसको बोलते हैं ना, जहालत के कारण पाकिस्तान डूब गया और कोई कारण नहीं है पाकिस्तान डूबने का। और टेस्ला की बात करें, टेस्ला की बात तो जवान भी नहीं लानी चाहिए इनको, ये अपनी गाड़ी ही खुद बना नहीं पाते और टेस्ला की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, लेकिन शेयर सब्सक्राइब किस पे करिएगा, दिल से रिएक्ट पे। तो प्लीज़ जोर से हमें हौसला बढ़ाए और इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।